आज दिनांक 9/2/2021 को सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन चेतगंज वाराणसी द्वारा बार कच्छ में बजट में प्रस्तावित संशोधन पर विचार विमर्श का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रस्तावित बजट में इनकम टैक्स व जीएसटी पर चर्चा की गई, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता बार के पूर्व श्री शरद त्रिपाठी जी द्वारा की गई और उन्होंने जीएसटी में GST R 9C की अनिवार्यता को समाप्त किए जाने पर वित्त मंत्री व बनारस के सांसद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही जीएसटी में धारा 129 जो सच दल से संबंधित है पर अपनी बातों का रखा, साथ ही GST R 1 व GST R 3B में संशोधन के संदर्भ में एक मांग भी रखी। इसी क्रम में बार के अध्यक्ष श्री सुरेश सिंह ने इनकम टैक्स में 5 लाख तक की इनकम पर छूट कर दिया गया एवं पुरानी व्यवस्थाओं पर वैकल्पिक व्यवस्था सरकार द्वारा दी गई है। साथ ही बार के सचिव अरविंद चौरसिया जी ने जीएसटी में आए दिन हो रहे परिवर्तन से अवगत कराया और बताया कि जो समस्या मुंबई के व्यापारियों को आती है वही समस्या वाराणसी के भी व्यापारी को आती है। ऐसी स्थितियों में ITC का लाभप्रेता फर्म को नहीं होगा, जो गलती विक्रेता की है उसकी सजा क्रेता को मिलेगी। इस तरीके की समस्याओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और बजट प्रस्तावित बजट में संशोधन होना चाहिए। साथ ही बार के पूर्व अध्यक्ष गंगेश पांडे जी कहा कि सरकार का रेवेन्यू बराबर आ रहा है, सरकार छोटे व्यापारियों का भी ध्यान दे जिनके पास संसाधन की कमी होती है। साथ ही जीएसटी में संचर दल स्टेट व केंद्रीय द्वारा छोटे व्यापारियों को अनावश्यक परेशान न किया जाए, इस तरीके की व्यवस्था लाई जाए। कार्यक्रम का संचालन पूर्व सचिव विनय कांत मिश्रा द्वारा किया गया। चर्चा के दौरान सेल टैक्स बार एसोसिएशन के हल में बहुत से अधिवक्ता उपस्थित रहे, जिसमें पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार श्रीवास्तव, अश्वनी कुमार मिश्रा, अशोक सेठ, राम कुमार यादव, कोसा अध्यक्ष विनोद मिश्रा, अमित कुमार राय, संजय पांडे, रोशन गुजराती, आशीष सेठ, वीरेंद्र सिंह, सुमित चौरसिया, सुमित व्यास, अनिल अभिनव, अवनी कांत पांडे, कमलेश यादव, अजय कुमार सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। बजट पे चर्चा के लिए सभी लोग यहाँ उपस्थित थे, उसी पे चर्चा परिचर्चा चल रही थी कि कितना हित है हम लोग के, कितना हित है, तो कितना हितकारी बजट जो पास हुआ है, कितना हितकारी है व्यापारियों के लिए, आम जनमानस के लिए? ये एक सामान्य जनमानस के लिए कोई विशेष नहीं, पूर्ण बजट था उसी को ही इन्होंने खाली हल्का मोडिफाइड करके कर दिया है। कोई विशेष लाभ नहीं, जितनी उम्मीद हम लोगों को थी उस हिसाब से कोई उम्मीद हम लोग को लाभ नहीं मिली। आप इनकम टैक्स में जो पहले स्लैब था वो भी अभी स्लैब है, एक ऑप्शन उन्होंने डाल दिया है। और जीएसटी में जैसा कि हम लोग सारे टैक्स वर्तमान में जो इस सत्र में जो बजट प्रस्तुत हुआ है, प्रस्तुत किया गया है, वो एक तरह से देखा जाए तो जनमानस के लिए बहुत कठोर भी नहीं है, तो कोई विशेष सुविधा भी नहीं दी जा सकी है। वर्तमान जो कोविड पीरियड था उसको देखते हुए सरकार के पास भी पैसे की कमी थी, क्योंकि उस अवधि में बहुत आम जनमानस को बहुत सहायता पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया, उसके लिए बहुत से फंड्स रिलीज किए। क्योंकि जनता के पास भी कर भार, यदि कोई टैक्स इसलिए नहीं बढ़ा, कोई कर भार भी इस बार नहीं कोई विशेष दिया है। जहाँ तक रह गया GST का सवाल, GST में निश्चित रूप से कुछ सुधार प्रस्तावित अवश्य है।